बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन वाले भरवे बैंगन, जिसके लिए हम लोगों ने एक पाव लिया था चिकन, जिसको हमने बॉईल करके उसके हम लोगों ने रेशे कर लिए हैं। हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून सोया सॉस और हाफ टी स्पून हम लोगों ने लिया सिरका। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। लहसुन अदरक का पाउडर वो डाल देंगे। के अंदर डाल देंगे चिकन मिर्च किए हुए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक रेशे कर लेने हैं हम लोगों ने। इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका कि हम भुनाई कर लेंगे। जो मैंने आपको मसाले बताए हैं वही मैंने इसके अंदर डाले हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं ऐड की। चिकन हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे। आधा किलो हम लोगों ने लिए हैं बैंगन। अब हम इसको कट लगाएंगे। पहले इधर से इसको उतार लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए नीचे ऊपर से उतार देंगे और अब हम इसको कट लगाएंगे ऐसे। और आपने देखना है कि ख़राब तो नहीं है। देखें इस तरह हम लोग लगा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। खट हमने सब में लगा लिया। अब हमने इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी गुद निकालनी है। देखें ये देखें इस तरह थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने गुद निकाल लेनी है इसकी, जो आसानी से निकल जाए। ये देखें मैंने एक एक करके सबकी निकाल ली है। अब हम इसको भरेंगे चिकन, इसके अंदर भर देंगे। देखें आपके सामने मैं भर दूंगी। ये देखें इसी तरह हमने एक एक करके सारे तैयार कर लेने हैं। देखें मैंने सब में चिकन अच्छे से भर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने एक अदद प्याज़ लिया है मीडियम साइज़ में। उसको हमने पेस्ट बना लिया था।
और मीडियम साइज़ का हम लोगों ने टमाटर लिया है, उसका भी हम लोगों ने पेस्ट बना लिया था। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने लिए नारियल का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चुटकी चुटकी हमने खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, कुलवंजी, मेथी दाना, सरसों और 2 टेबलस्पून हम लोगों ने लिए हैं दही के। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। हम गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया, हम इसके अंदर इस तरह बैंगन वो डाल देंगे। इसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। सर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है जिसमें मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना है। देखो आप लोग देख सकते हैं फ्राई हमारे हो गए हैं माशाल्लाह। इसको बाहर निकाल देंगे। आधा कप हम ले लेंगे ऑयल का। ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ी देर पका लेंगे। जो हमने दूसरे खड़े मसाले लिए हैं वो डाल देंगे। तभी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, जिनको हमने पेस्ट बनाया हुआ था। इसको वक्त इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। माशाल्लाह प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गया। इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पाउडर, ये भी हम बनाए कर देंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब हमने टमाटर की अच्छी से भुनाई करनी है। हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी और नारियल का पाउडर, इसको भी हम इसके अंदर भुनाई कर लेंगे। क्योंकि ये लाल मिर्च और किसी भी लाल मिर्च वो भी डाल देंगे। नमक और सूखा धनिया हम भुनाई करेंगे। इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। इनके साथ भी हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह ग्रेवी हमारी रेडी हो गया। हम इसके अंदर डाल देंगे बैंगन। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हम इसको इसका ढक्कन उतार लेंगे। माशाल्लाह चिकन वाले भरवे बैंगन हमारे रेडी हो गए हैं। इसके अंदर धनिया डाल देंगे और 2 हरी मिर्चें मैंने इस साइज़ में काट ली थी वो डाल देंगे। चले हम इसको अब डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने अच्छे से कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।